देश के समस्त गणमान्य सज्जनों, दोस्तों, भाइयों, बहनों को जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प शक्ति न्यूज में स्वागत है। हमने कुछ दिनों से पर्ची बाबाओं की पोल खोल अभियान छेड़ रखा है और उसी के तहत पंडोखर धाम में आधिपत्य जमाए गुरुशरण शर्मा के द्वारा किए गए कृत्यों की पोल खोल रहे हैं। और ये हम नहीं खोल रहे, उन्हीं के द्वारा सताए हुए लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनसे इंटरव्यू के माध्यम से हम सही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने अभी तक कई वीडियो देखे भी होंगे जो अलग अलग चैनलों में पड़े हुए हैं। ये गुरुशरण शर्मा जिसने अति कर दी है, धन का अंबार लगा दिया है और वो भी गरीबों का चूस चूस के, उनकी समस्याओं के नाम से पर्ची काटेगा और छोटी पर्ची के तो वहाँ सुनवाई है ही नहीं, जो 21,000-51,000 ऐसी बड़ी पर्चियाँ हैं उसी पे सुनवाई होती है। उसमें भी आपको केवल चमत्कार की एक दो चीज़ें बता के, और वो भी कुछ लोगों का कहना है जो इन्हीं के यहाँ गए थे कि हम ही से पूछ के लिख देता है। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि वो कुछ बता भी देते हैं, तो अगर वो आपके नोट का नंबर बता देते हैं, आपके पिताजी का नंबर, पिताजी का नाम बता देते हैं, या आपके आधार कार्ड का नंबर बता देते हैं, आपके बाप दादा का नंबर बता देते हैं, तो क्या उसे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो आपको इस बात पे सोचने की ज़रूरत है। और केवल इस बताने के नाम से लोगों से ठगाई कार्य चल रहा है। जो पैसे वाले हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, पर जो गरीब जनता पिस रही है वो बड़ी दर्दनाक है। और जब हमें ये सब कुछ, इनकी वीडियो हम देखते थे पहले भी, और क्योंकि बड़ा चारों तरफ इनका नाम चल रहा था, जब देखा कि इसमें बहुत से लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ भी ये जिसको देखो वहीं डांट दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को जैसे भी हमारा नंबर मिला हो, इनसे पीड़ित लोग हमसे संपर्क किए। जब हमने उनके इंटरव्यू लिए तो हमें पता चला कि वहाँ जिस नाम से ठग रहे हैं समस्या के समाधान के लिए, तो समस्या तो समाधान किसी का नहीं कर रहे, और समस्या के नाम से उससे पहले पैसा लेते हैं, पर्ची के नाम से, मिलने के नाम से, और उस पर्ची में जो भी इन्हें बताना थोड़ा बहुत बताते हैं, पीछे भी लिख देते हैं कि आपको अमावस करनी है, नारियल और ये आपका रामायण करनी है, हवन करना है, उसके नाम से अलग अलग। एक व्यक्ति गरीब जो 500-1100 की रसीद बड़ी मुश्किल से कटा रहा है, बाद में इनके आदमी बताते हैं कि अब आपको 3300 की रामायण करवानी है, तो 21,000 या 25,000 का आपको हवन करवाना है, और 1100-1100 की अमावस्या होनी है, आपको 5 या 7 अमावस्या आनी है। एक बार व्यक्ति आ नहीं पाता, 7 बार कैसे आएगा? और इसके अलावा आपको एक जानकारी दे दूं, कल ही की मैं भी वीडियो देख रहा था 6 नवंबर की, उसमें एक इन्हीं के लाइव में है, कोई भी देख सकता है 6 तारीख का लाइव, उसमें एक महिला ने आवाज़ उठाई इन्हीं के दरबार में कि आपकी पर्ची गलत है। उसने बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई, तो क्योंकि आवाज़ ज़ोर से लगा चुकी थी तो इनकी मजबूरी थी कि उसको बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ, उसको वहाँ से बुला लिया और उसको बिठा ला। बोले अच्छा, उसी में वो बौखला गए कि इसने मुझे गलत बता दिया। उसने कहा ऐसे मैंने क्या गलत बताया? उसने कहा कि आपने जो लिखा है तो मुझे से पूछ के लिखा है और आपने कोई नई चीज़ बताई नहीं। आपने कहा था सुराग दूंगा, मेरा जो बेटा लापता हो गया आपने नहीं दिया। तो बोले, तो उन्होंने जो गुरुशरण ने कहा कि मैंने उसका नाम बताया, ये फलाने हैं, और तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारा इसी बार में ही सुराग भी बता दूंगा? जाओ पुलिस से जानकारी लो। तो फिर आपने पैसे किस बात के लिए हैं? जब उसको आप सुराग भी नहीं बता रहे हैं तो इतने जो मिलने के लिए पैसे लिए हैं तो किस बात के हैं? तो इसी तरह का केवल भ्रमित करके पैसे
लूटने की प्रक्रिया है और कह दिया जाए सुराग बता दे, तो सुराग बता सकता होता तो बता ही देता। इसी तरह के जो हमारे इंटरव्यू आ रहे हैं अलग अलग तरह की बातें इनके से संबंधित बता रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने जो हम इसमें लगातार वीडियो डाल रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं और उस बौखलाहट में अंटसंट निकल रहा है। आप 3 दिन पुरानी वीडियो देखेंगे बहुत दुखी हैं क्योंकि इनका साम्राज्य डूबता नजर आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि अगर भक्ति ही नहीं आएंगे तो हम पैसे किससे वसूलेंगे, हम ठगी किससे करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हैं और उसका नतीजा ये है कि अब इनके वीडियो में सुनने को मिलता है कि मैंने वहाँ बिल्कुल सुधार कर दिया है, मैंने रोक दिया है, मैंने पंडित हटा दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, अब वहाँ कोई ऐसा नहीं करेगा, मुझे पता नहीं था। आपके सर के नीचे, आपके नीचे सारा गलत हो रहा है, जब आप ही गलत कर रहे हैं तो दूसरे को क्या रोकेंगे। आप कहते हैं मैंने वहाँ पंडित बदल दिए, मैंने ये कर दिया, पर आप अपने आप को भी तो बदल दो। जो बड़ी बड़ी पर्ची आप ही तो कटवाते हो, आप ही तो झूठ बोल के पैसे वसूल कर रहे हो, वो क्यों नहीं आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं धर्म के नाम से ठगाई बंद कर रहे हैं? और बातें आप ऐसी करते हैं कि लगता है कि शायद आपसे बड़ा त्रिकालज्ञ कोई नहीं होगा। तो इस धर्म के नाम से जो ठगाई कर रहे हैं गुरुशरण जी, इसको बंद करिए। क्यों बदनाम करवा रहे हैं हमारे धर्म को, इस सनातन धर्म को? आपको एक जानकारी और दे दूं, इस बौखलाहट में इन्होंने 22 तारीख के लिए एक आयोजन रखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि जितने भी लोग जिनका काम नहीं हुआ है, इसका मतलब इन्हें पता है काम नहीं हुआ है तभी तो वो कह रहे हैं, नहीं तो अगर ये तो एक तरफ तो कहते हैं कि कोई भी मेरी पर्ची एक फेल हो ही नहीं सकती, गारंटी है, अगर एक भी काम नहीं होगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। अब इतने काम नहीं हुए तो गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हमने तो इतने वीडियो डाल दिए, इन्हीं के द्वारा प्रताड़ित व्यक्तियों के प्रमाण सहित डाल दिए, अब तो इन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पर ये गद्दी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि गद्दी छोड़ देंगे तो फिर ठगाई कैसे करेंगे। तो ये ठगाई करने के लिए तो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, इन्होंने उस बौखलाहट में लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि इनके दिमाग में आ गया था कि अगर इस तरह के प्रमाण समाज में फैले रहे तो हमारे विरुद्ध उसको एक एविडेंस के रूप में उपयोग होने लगेगा। कुछ जो इनसे संबंधित व्यक्ति थे जो इनसे लुटे थे, अभी बीच में मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो उन्होंने भी वीडियो देखा होगा इनका, तो उन्होंने कहा सर अपने आप अपने यहाँ संकल्प शक्ति से आवाज़ उठाइए क्योंकि ये क्या कर रहे हैं जो हमारे साथ पहले भी करते थे। इधर पर्ची कटी, इधर इनसे मिला व्यक्ति और वो पर्ची इन्होंने लेके फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया, ये इसलिए कि वो एविडेंस खत्म हो जाए। अब जब देख रहे हैं कि फिर भी इसके बाद भी वो पर्चियां हैं, तो इसलिए इन्होंने एक ये सम्मेलन ये कह दिया जाए एक लाइव रखा है 22 तारीख का कि वो लोग उन्हें आह्वान कर रहे हैं कि आप सब लोग अपनी पर्चियां और सारी रसीदें लेके आओ, हमें दिखाओ। तो आपको दिखाएं तो आप उन्हें भी फाड़ के फेंक दें जिससे वो रसीद भी, वो एविडेंस खत्म हो जाए, फिर कोई कहने वाला ही नहीं बचे कि कोई समस्या आई है, हमारे काम हुए, क्योंकि वो कहेंगे तो ये तो हमारे पास आए नहीं। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को इकट्ठा करके वो एविडेंस भी ख़त्म कर दें। तो कई लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि आप चैनल के माध्यम से जो लोग हैं लुटे हुए इनसे लोग हैं उन्हें आगाह करें कि जब आएं इनके पास आएं, क्योंकि हो सकता है काम कर दें, तो उसको देखने के लिए इन्हें आना तो पड़ेगा ही। उसके लिए क्या करें, पहले जितनी भी उनकी रसीदें हैं, जितनी भी एविडेंस हैं, उसकी एक फ़ोटो खींच के किसी दूसरी जगह सुरक्षित रखाएं, अपने मोबाइल में भी लेके ना आएँ, फिर इनके पास आएँ और इसके बाद इनसे समस्या का समाधान लें। अगर समस्या का समाधान नहीं लेता तो फिर पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि ये समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसके बाद वो हमारे पास आएँ, हम उनकी वीडियो फिर से बना के डालने को तैयार हैं और उस वीडियो के माध्यम से हम जनता तक ये बात पहुँचाएँगे कि आप वहाँ लुटने मत जाइए। दूसरी बात, हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि अपने संज्ञान में ले। आइए हम आपको ऐसी ही एक लुटे व्यक्ति जिनका नाम नवल किशोर है और बिहार से हैं, एक गरीब परिवार है और कह दीजिए मजदूरी करता है, अपने बेटी की समस्या लेके गए थे वहाँ पर, 45 दिन रुके भी, उनकी समस्या दूर नहीं हुई और वो वापस आ गए। इन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो रो के ही मुझे अपनी बात बताए हैं। मेरा उनके साथ पूरा इंटरव्यू हुआ है और
उन्होंने एविडेंस भी भेजे हैं, मैं आपको अब आगे वही सब दिखा रहा हूँ, आप उससे समझ पाएंगे कि ये गुरुशरण कितना ठगाई कर रहा है। हेलो, जय माता की। जय माता दी। हम गए थे पंडोखर में, तो 27 मई के हमारा पर्ची जो है ना 2100 का काटा, इसलिए कि 1100 का अच्छा, पर्ची में जो है ना, मुझे थोड़ा सा जानकारी, आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? नौर किशोर प्रसाद, हम चंपारण बिहार से हैं। तो आप पंडोखर धाम में गए थे जी, तो वहाँ क्या हुआ था शुरुआत में? वहाँ हम लोग गए तो 1100 का पर्ची, 1000 का पर्ची जो है ना, चार चार महीना, पांच पांच महीना पर होता था। तो एक आदमी कहा कि ये 7200 का कटा लीजिए, हम लोग कहे 7200 का तो रुपया नहीं है, 2100 का हम लोग कटाए। तो 45 दिन का, 45वां दिन हम लोग का नंबर आया। तो 45 दिन में आप वापस घर आ गए थे कि वहीं रहे थे? हाँ, उसी जगह रहे थे, जिसमें तबीयत भी खराब हो गया, इसलिए कि वहाँ का टेम्परेचर जो है ना, गर्मी का दिन था, खाना। तो 45 दिन आप वहाँ पड़े रहे? हाँ, इसलिए कि आने जाने में जो खर्च है ना, 3000 रुपया बचता था वहाँ से। अरे बाप रे, मतलब तो आप 45 दिन वहाँ रहे, तो उसका भी तो खर्चा हुआ होगा, खाना खाते होंगे। हाँ, साइड से भी आपको माने होटल में खाना खाने में तबीयत भी खराब हो गया। तो 45 दिन केवल आप वहाँ रुके रहे? हाँ, आने जाने की दिक्कत, हमारे भाड़ा भी 3000 का करीब है ना, बैठता था एक बार आने और जाने में, उसी का मारे आने जाने में समय कब आएगा कब नहीं आएगा। तो उसी में हमारा लड़का का जो है ना, NDA में 2 बार छाटा था, तीसरा रिजल्ट हो गया था। तो हम वीडियो देखे तो हम सोचे कि ये माने शक्ति जो है बजरंग बली का, कहीं मान लीजिए तीसरा चांस भी निकला है तो उसमें जो है माने कहीं बजरंग बली की कृपा उनके पास है तो शक्ति है तो कहीं सफल हो जाए। तो इस पर्ची में लिखे हुए हैं। अच्छा, तो वे 2100 का हम जो है ना पर्ची बनवाए बनाए, इसलिए कि 1100 का बनवाते तो 4-5 महीने के बाद नंबर आता। अच्छा, तो वही बनवाए। जब उसका इंटरव्यू अगस्त में निकला ना, सितंबर में, तो हर महीने महीने अमावस्या करने जाते थे तो 3000-3500 रुपया बरसा था खर्चा। नहीं तो आपने जब 2100 की पर्ची कटवाए और आपको 45 दिन तब भी रुकना पड़ा? हाँ, उसी जगह रुके रहे, आने जाने के दिक्कत के मारे, भाड़ा भी खर्च। 45 दिन बाद आपका नंबर आया? हाँ, 45वां दिन नंबर आया, तो वही में गुरु जी पर्ची लिखे। अच्छा, पर्ची लिखे जो परीक्षा में जो है ना लड़का जो है सफल होगा, आपका सफेद दाग का घर का समस्या है, इस सारा जो है पहले से आपका क्लियर हो जाएगा। कब तक? तब तक हम तीन गो अमावस्या कर लिए थे। नहीं, चौथ का ये जो उन्होंने लिखा तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा ना? हम यो पूछे कहे ये सारी चीज आपका समस्या सोल्व हो जाएगा। जब इंटरव्यू में तीसरा बार जब छट गया तब फिर हम 5 दिन के बाद फिर गए, हम उसी चीज को पूछने के लिए कि गुरु जी आप जो पर्ची में जो लिखे थे उस सारा जो है फेल है, तो आप कैसे लिखे थे? तब कहा लोग ये आपको बच्चे को लेकर आना चाहिए, कम से कम एक बार यहाँ लाना चाहिए। हम कहे देखिए पढ़ने वाला विद्यार्थी तो आएगा नहीं, उसके माता पिता ना जिम्मेवार है, आने जाने में खर्चा है, ये कम से कम एक बार आप लाते तो लड़का सफल हो जाता। हाँ, तो ये बात तो पहले भी बता सकते थे। तो कहे सीधे कहे कि ये ज्यादा प्रेशर करने पर जानते हैं सर, कहते थे कि ये आपका इसी जो है डाटा इसी खत्म हो गया। अच्छा, जाओ एगो तो बच्चा का 51,000 का पर्ची कटाया था, कुछ पूछने लगा था कि तुम हमको खरीद लिया है, उसी जगह बड़ी झाड़ने लगे। किसको? माने एगो लड़का था, दूसरे स्टेट का था वो। अच्छा, किसी और की बात है। हाँ, तो कुछ और पूछना चाहा न तो उसको डांटने लगे, तुम हमको खरीद लिया है 51,000 में,
लड़का इतना ना दुखित हुआ। अच्छा 51,000 उसने दिए थे? वो दिया था लड़कवा 51,000। ओहो, हम तो कैसे सौ कर पाती है। अच्छा ठीक है, तो रामायण पाठ का होंगे, रामायण पाठ का हम 3300 रुपया जमा कर दिए हैं पत्नी के कहने पर। जो लड़का जो इंटरव्यू जो है ना, कहीं जमा कर दीजिए, ये इसके चलते कहीं भगवान की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से बेड़ा पार हो जाए। तो उन्होंने क्या क्या पूजन लिखा था? हाँ, जब पर्चा लिखते हैं तो उसमें पूजन वगैरह लिखते हैं ना कि हवन रामायण और हाँ हवन रामायण। तो उसके बाद जो हवन का लिखे थे इसमें सारा चीज में जो है लिखे हुए है। 22,500 का हवन बताया है, पंडित जी का दक्षिणा अलग से 2500 रुपया, और 3 दिन आना। पर्चिया जो है ना, पर्चिया में सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, रामायण परीक्षा से है, रामायण रामायण का 3300 लेता है लोग, उसका भी पर्ची है। तो आप और अमावस्या, अमाउस का 100 का रसीद आना था। हम लोग तो पहले कटा लिए थे ना, तो बाद में 1100 से कम का मैंने रसीद नहीं कटता था। अच्छा, तो मतलब क्या अमाउस लिखे थे? 6 अमावस्या का लिखे थे, जो 6 गो अमावस्या इस पर्चिया में, तो 5 ही अमावस्या का है, मैंने 6 गो अमावस्या आपको करना पड़ेगा। अच्छा, और ये तो आपने क्या क्या कहे कहे की रसीद कटाई थी? हाँ, आपने रामायण की या काहे काहे की रसीद कटाई? पत्नी के कहने पर कटाया कि जब लड़का का इंटरव्यू है, एनडीए टीचर का चांस है, कहीं मान लीजिए गुरु जी का कृपा से कहीं इसका मान बेड़ा पार हो जाए, इसीलिए हम कटा लिए 3300 का। 3300 की रामायण की जी। और हवन वाली? हवन वाली नहीं कटा है। जब लड़का जब इंटरव्यू में टीचर का छट गया ना, तो हम उसी पीरियड में हम जाने वाले नहीं थे, खाली यही पूछने के लिए हम गए कि गुरु जी आप पश्चिम में लिखे हैं जो लड़का सफल होगा, चरम रोग सफेद दाग है हमको, वहाँ पर जाने पर हमको और सफेद है, छूटा हुआ दाग जो है पनप गया पूरा, और लड़का छट गया। तो कहते हैं कि जो आपको विद्यार्थी को बच्चे को कम से कम लेकर आना ना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो दूसरी बार क्या आप गुरु जी से मिल पाए? गुरु जी से मिलने के लिए भी अलग से पर्ची कटाने पर 3-4 महीना लगता है। तो फिर आप किससे मिले? गुरु जी एगो है, गुप्ता जी है। अच्छा, गुप्ता जी है कोई? हाँ, गुप्ता जी है। हाँ, माने गुप्ता जी जो कहते हैं उसको गुरु जी मानते हैं। कोई भी अच्छा, मिलने जाएगा ना, मतलब पंडोखर बाबा जो है। हाँ, पंडोखर गुप्ता जी। हाँ नहीं, पंडोखर बाबा जो है वो मानते हैं। हाँ ना, पर्ची जो है कटाने के बाद 51,000 का तो कटाइएगा तो वही दिन में 48 घंटा का अंतर लोग देख देते हैं। कौन समस्या होगा तो वही गुप्ता जी का लगे, माने गुरु जी जो है गुरुशरण महाराज उन्हीं के पास भेजते हैं। अच्छा, माने वो डायरेक्ट अपने से कुछ नहीं करते हैं। खाली बात माने आपको वर्तमान भूत भविष्य बताएंगे, और चीज विधि व्यवहार जो भी पूछना है, कितना आपको अमावस्या का लगेगा, कितना आपको माने हवन का लगेगा, इस सारा जो है लिखते हैं वो ही गुप्ता जी। अच्छा अच्छा, राक्षस सूत्र भी बनाता है, उसका भी 100-100 रुपया 50-50 रुपया लेता है लोग। अच्छा, रक्षा सूत्र कहाँ बांधते हैं? रक्षा सूत्र कहाँ, रक्षा सूत्र कहाँ बांधते हैं? रक्षा सूत्र 9-10 बजे रात के खूब जब भीड़ जमघट जब हो जाएगा तब, तो उसमें जो है कितना लोग का फीट खनिया आ जाता है, चक्कर आ जाता है धक्का धुकी में। नहीं तो बांधते काहे में, हाथ में या किसी और जगह? हाथ में बांधते हैं, दाहिना हाथ में। उसका भी माने आपको जो है मिनिमम जो है 50-20 रुपया से कम नहीं लेते हैं, शुरुआती रहता है तो 100-100 रुपया लेते हैं। अच्छा, पहल का जो आपको गुरु जी देखे हैं ना, उसके जो है पर रक्षा सूत्र बांधेंगे तो 100 रुपया से कम नहीं लेंगे, फिर बताए लोग। हाँ, बिल्कुल सही है। आपसे अगर पैसे लिए गए हैं जी, तो नियम कहा अगर आपसे काम के नाम से पैसे लिए गए हैं तो फिर उस काम को करना चाहिए जी, और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको पैसे वापस करने चाहिए। अच्छा,
सर देखा जाए जो पैसा जानते हैं रेस करके लिखा हुआ नहीं रहता है, आप 51,000 दीजिए क्या 1,00,000 रुपया दीजिए, कोडिंग भाषा में रहता है। अच्छा वो लिखा नहीं रहता कहीं ऊपर पर्ची का जो है नीचे आप देखे हुईगा कि ये पर्ची का नीचे जो है ना 1,00,000 दीजिए चाहे 51,000 दीजिए, खाली 51,000 लिखा हुआ रहेगा। अच्छा 1,100 लिखा हुआ रहेगा, 2,100 लिखा रहेगा, 7,200 लिखा रहेगा, रेस नहीं लिखा हुआ रहता है नीचे। अच्छा। आपको वीडियो कॉलिंग हम आपको बता देते हैं जो कोडिंग है उसका। अच्छा वो जानते हैं किसी निगरानी के छापा में वो पकड़ाएगा नहीं, इसलिए कि ये 100 से लेके 51,000 1,00,000 तक ले का है, तो सीधे को आ जाएगा कि जो कोडिंग है इसे अल्फाबेट क्या कोडिंग है, रेस लिखा हुआ नहीं है। अच्छा पूर्जी जो है ना वीडियोग्राफी में जो आपको हम बता देते हैं कि ये कैसे रुपया लिखा हुआ है नीचे है एकदम। अच्छा वीडियो कॉलिंग करा के उसका रेस हम बता देंगे। ठीक मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा हाँ। दूसरी बात ये कि देखिए मैं आपके पूरा सहयोग करूंगा, ये जो आपकी मेरी बात हो रही है तो ये पूरा ऑडियो इसकी रिकॉर्ड हुई है जी, जो आपकी हमारी चर्चा हुई है जी, और आप क्योंकि आप तो अब लूट ही चुके हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पैसे वापस हो, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे जी। और आपके द्वारा जब हमारी दोनों की बात हुई है तो ये तो आवाज रिकॉर्ड हो गई है कि भाई आपके अगर काम नहीं हो तो पैसे वापस करें, नहीं तो काम कर दें। तो आप मुझे अपनी रसीद और जो भी रसीद हो और जो काटा हुआ उसमें नीचे कोडिंग में पैसा लिखा हुआ है और वो जो आप बड़ा एक पन्ना मिला होगा जिसमें वो लिखे हैं कि ये आपको ये तकलीफ दूर हो जाएगी। हाँ मेन पार्टी वही है। हाँ एक वो और ये जो रसीदे हैं और आप अपनी फोटो। अच्छा उसी मेन पट्टी के हिसाब से जो है आपको हॉर्न का चार्ज जो है उस पर लिखा हुआ रहा है। हाँ अच्छा लिखा है। हाँ इसमें अच्छा। जो है मेन पट्टी जो गुरुजी पहला बार जो आपको देखते हैं ना हाजिरी लगता है पहला बेरी, तो आप वही इसी के गुप्ता जी के पास जाइएगा तो बताएंगे कि ये किस तरह का कंडीशन है, तो उसी के हिसाब से 51,000, 21,000, 22,000, 18,000, 20,000, 30,000, 50,000 का जो है आपको हवन का चार्ज बताएंगे। पंडित जी का दक्षिणा माने आपको 2,500 छोड़कर बताएंगे। अच्छा अच्छा हाँ तो ये आप मुझे ऐसा करिए कि अपनी एक फोटो और जो जितनी भी रसीदे हैं और वो जो कागज है वो मुझे व्हाट्सएप आपके इसी को और उसका मेन पर्ची है उसका। आपके मेन पर्ची हो गई और जो दूसरी पर्ची भी कटी होंगी ना अमावस्या की। हाँ दूसरी है उसमें जो पैसा जो लिखा है ना हवन का वो है उसके विपरीत अपोजिट साइड में। हाँ जो जो रामायण है जो जो आपके पास कागज है वहाँ के तो जैसे अपोजिट साइड लिखा था उस साइड का भी आप फोटो फोटो खींच के भेज देंगे जी। तो इसका व्हाट्सएप हम करार भेज देते हैं आपको। व्हाट्सएप में सब भेज दीजिए तो हम इसकी वीडियो बना के डालें पहले तो जी, तो फिर अपने आप हल्ला मचेगा कि भाई हम लूटे हैं तो वापस करें जी। ठीक है जी हाँ तो इतना आप कर दीजिए जी। हाँ जय माता दी। तो आप ये भेज के मुझे आप चाहे फोन कर दीजिए नहीं तो मैं चेक कर लूंगा जी। आपका जी। वो उसमें आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? नौल किशोर प्रसाद। ठीक है तो आप ये भेजिए मुझे जी। जय माता दी। जय माता।